नमस्कार साथियों। चलिए तो इस लेक्चर में हम लोग एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल आर्थिक मंदी से संबंधित देख लेते हैं। किसानों की क्रय शक्ति से पता चलता है मंदी। वैश्विक मंदी तेजी से भारत को भी अपने लोहे पास में जकड़ सकती है। सरकार सक्षमता और सही सोच से इस संकट से देश को निकाल सकती है, बशर्ते वह हकीकत के प्रति शुतुरमुर्गी भाव ना रखे। 2009 में भी ऐसा संकट था, लेकिन भारत उससे उबर गया था। आज भी जरूरत है कि इस मंदी के चक्र को तोड़ने की, और तरीका एक ही है, कृषि और उससे जुड़े लोगों के हाथ में पैसा जाए जो देश की आबादी का 67% है। सरकार की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ट्रैक्टर मोटरसाइकिल ही नहीं, रोजाना प्रयोग वाली उपभोक्ता सामग्री तेल साबुन की मांग ग्रामीण भारत में लगातार घटती जा रही है। यह क्षेत्र देश में 5% रोजगार देता है। अगर मांग कम होगी तो उद्योग उत्पादन कम करेंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी। उधर देश के की वित्त मंत्री ने एक साक्षात्कार में कहा कि बड़ी कार कंपनियों का कहना है कि उस उनके उद्योग में कोई दिक्कत नहीं है। शायद कृषि मंत्री उन्हें बता सकें कि धान के बाद अब गेहूं की खेती का क्षेत्र भी घट गया है। मंदी बड़ी कार के उपभोक्ताओं से नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत की क्रय शक्ति से तय होती है। भारत में सोने की कुल खरीद का आधा ग्रामीण भारत करता है, उसमें भी कमी आई है। एक अन्य सरकारी आंकड़े भी सरकार को चिंतित करने के लिए काफ़ी होना चाहिए। विद्युत उत्पादन गिर रहा है क्योंकि शहरी मध्यम वर्ग ही नहीं, उद्योगों से भी मांग कम आ रही है, वे अपना उत्पादन कम करने लगे हैं। करीब 133 विद्युत इकाइयां ठप करनी पड़ी हैं। आज देश में 3.63 लाख मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता के मुकाबले 7 नवंबर को मात्र 1.88 लाख मेगावाट की थी। अरबों रुपए से बने पावर प्लांट अगर बंद हैं तो इस स्थिति समझना मुश्किल नहीं होगी। औद्योगिक राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में यह मांग सबसे ज़्यादा है, क्रमशः 22 और 19% गिरी है। लब्बो लुआब यह सरकार खुश फहमी छोड़कर देश को आसन्न आर्थिक मंदी के अवैध चक्रव्यूह में फंसने से पहले बाहर लाए, वरना देरी महंगी पड़ेगी। CMIAIE की रिपोर्ट में कुछ हफ्ते पहले ही आग्रह किया गया था कि मनरेगा में युवकों की संख्या अचानक बढ़ रही है, अर्थात शहरों में नौकरियां जाने के बाद से ये युवा फिर गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। मंदी की मार सबसे ज़्यादा गरीब झेलता है क्योंकि उसकी आजीविका चली जाती है। संकेत बेहद चिंताजनक। चलिए तो ये था हमारा आर्थिक मंदी से संबंधित आर्टिकल।